तो भाई इवोल्यूशन होने वाला है आपकी वरना का, ये आपके पहचान में भी नहीं आ रही होगी, मेरे भी पहचान में नहीं आई थी। ये 2006 वाला मॉडल है और 6.6 लाख इसकी कीमत है। शुरुआती कीमत बताता हूँ, ठीक है, इनिशियली कीमत है वो, मतलब प्राइस है इसकी, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये मॉडल वैसे पहचान में नहीं आ रहा, वरना है भी या नहीं होंडा की, खैर बहुत चली है ये भी। फिर आ जाता है भाई ये 2010 वाला मॉडल, 6.9 लाख इसकी कीमत थी, शुरुआती कीमत है भाई। वेरियंट्स के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है, तो आप सभी जानते हो जितना महंगा मॉडल मतलब कीमत वगैरह सब होती रहती है। फिर आ जाता है 2012 वाला मॉडल, 7.2 लाख इसकी कीमत थी। ये वाला काफ़ी चला है और अब भी चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आ जाता है वरना फुजित्सु के नाम से, शायद ऐसे कुछ नाम थे इसका। और 2016 में ये लॉन्च हुई थी और 7.5 लाख इसकी शुरुआती कीमत है। और भाई ये आ गया लेजेंडर मॉडल, भाई ये सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे, पता नहीं क्यों। 2017 में लॉन्च हुआ था, 8 लाख इसकी कीमत थी शुरुआती वेरियंट्स के हिसाब से, फिर वो ऊपर नीचे थी। आप सब्सक्राइब मारो और लाइक मारो यार वीडियो को, तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा है भाई यार, और तुम्हारा ही चैनल है, ठीक है। और 2021 वाला मॉडल आ गया, 8.3 लाख इसकी कीमत है, और ये वाला उतना अच्छा नहीं लगा पिछले वाले से। 2017 वाला मॉडल काफ़ी अग्रेसिव लगता है, मतलब अलग ही क्लासिक सा लगता है। और भाई ये वाला अच्छा लगता है, 2022 वाला है, 8.9 लाख इसकी कीमत है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 2023 में भी यही चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम है।